बद्रीनाथ गोविंद और केदारनाथ हर हर महादेव। ये सही मुझे नजर आता है, देखिए हर हर महादेव। कबाट खुल चुकी है, कबाट अभी जस्ट खुली है। हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में और एक नए ब्लॉग में। तो गाइज, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग केदारनाथ ट्रिप पे जाएंगे, तो इस ब्लॉग में आपको मैं ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा और सब कुछ अच्छे से कवर करूंगा। तो जैसे कि गाइज, लास्ट ब्लॉग में तो हम लोग हरिद्वार में थे और अभी हम लोग जस्ट ऋषिकेश पहुँचे, क्योंकि हरिद्वार से हमें टैक्सी नहीं मिल रही थी। तो हम लोग ऋषिकेश पहुँच गए, मतलब जा ही रहे हैं, और ऋषिकेश पहुँचते ही वहीं से हम लोग गाड़ी ले लेंगे, शेयरिंग कैब लेंगे, फिर वहीं से हम लोग सीधा सोमप्रयाग के लिए निकलेंगे। तो गाइज, जैसे कि अभी हम लोग ऋषिकेश से निकले हैं सोमप्रयाग के लिए, और यहाँ से हम लोग शेयरिंग कैब लिए। पर हेड हमें 1200 या 1500 के आसपास पड़ेगा, 6 या 7 घंटे का रास्ता है। हाय, यहाँ पे सब लोग, आप मुंबई से आए? मुंबई से। आप लोग लुधियाना पंजाब से? लुधियाना पंजाब से आए, मतलब सब अलग अलग स्टेट से आए। और केदारनाथ हर हर महादेव, अलग अलग स्टेट से आए। और हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, ये बात सही है एकदम। एक ओंकार, एक ओंकार। और यहाँ पे मेरे भैया है जो अकेले बैठे हुए है। गाइज, अभी हम लोग देवप्रयाग के आसपास है, जहाँ से वो नदियों का मिश्रण जो है, वो नदी साथ में मिलती है, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर लगता है। उसी के साइड जा रहे हैं देखने को, कब व्यू मिलता है आपको दिखाते हैं। हमारा ग्रुप है जिस गाड़ी में हम लोग आए थे, ये रहा लोकेशन। यहाँ से केदारनाथ आपका 143 किलोमीटर है, देवप्रयाग थोड़ा दिख रहा है। तो ये रहा हमारा देवप्रयाग, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रयाग, दो नदियों का, अलग गंगा और माता गंगा, आगे चल के गंगा ही बनती है। और ये रास्ता तैर कर रही है ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी, बनारस। गाइस, अभी हम लोग सोमप्रयाग में, और आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे जो ये सीन दिख रहा है आपको, ये सोमप्रयाग का सीन दिख रहा है। ये हमारा बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, और नीचे साइड से बस भी मिलेगी उस साइड से। और यहाँ से सीधा जाएंगे तो वहाँ से आपको गौरीकुंड की गाड़ी मिलेगी, जो यहाँ से 4-5 किलोमीटर के आसपास है। फिर वहाँ से हम लोग ट्रैकिंग पे निकलेंगे केदारनाथ का। सब लोग बता रहे हैं 16-17 किलोमीटर है, और बहुत लोकल लोगों से पूछा तो बता रहे हैं कि 19 किलोमीटर के आसपास है। तब देखते क्या होता है। रात को हम लोग पहुंचे, 12 बजे हम लोग पहुंचे इस साइड पे सोमप्रयाग पे। ये हमारा रूम, ये लोकेशन है, आपको रूम दिखा देता हूँ। ये रहा रूम, छोटी सी रूम है, मतलब उतना भी अच्छा नहीं है। इसमें आपको बाथरूम टॉयलेट मिल जाएगी, ज़्यादा भी बड़ा नहीं है, ठीक ठाक का है। अच्छा तो नहीं लगा, अब क्या करें, मतलब यहाँ पे मिल नहीं रहा है, क्योंकि पहले से बुकिंग करनी होती है। तो हम लोग को थोड़ा, हम लोग का लगेज ज़्यादा है, इसलिए हम लोग सेफ्टी के लिए रूम लिए, वरना सामने ही डोमेट्री वगैरह मिलती है, वहाँ पे भी जा सकते थे। तो आप लोग कभी आते हैं तो आप लोग डोमेट्री भी ले सकते हैं। हमने जो रूम लिया, मतलब हमें पड़ा 12 घंटे का 2000 रुपये पड़ा। कुछ कर भी नहीं सकते, रूम वगैरह भी नहीं मिल रही है। अब जितना मिला उतना ही सही है, अभी सीजन है बोल के हमें ज़्यादा पड़ा, वरना बहुत ही कम पड़ता। तो आपको कैसा लगा, और ज़्यादा कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को इंस्टा पे DM करिए या कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, जितनी हो सके मेरे से मैं सब देने की कोशिश करूंगा। तो नीचे साइड भी जाएंगे, वही व्यू दिखा देंगे, बाद में मिलते हैं, बाय। गंगा बोलते हैं सोमप्रयाग का, पानी बहुत ही ठंडा है, जो पानी बह रहा है ना उसका आवाज बहुत ही प्यारा लगता है। सोमप्रयाग में आपको छोटी छोटी दुकानें मिल जाएगी रुद्राक्ष की, ये सब देख सकते हैं। तो गाइस, अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, बैग वगैरह कल सुबह ही पैक कर लिए थे। एक लगेज हम लोग वहाँ पे क्लॉक रूम में रखेंगे, हमारे जरूरत का जो जो सामान है
वही सब लेके जाएंगे। सुबह के 4 बजे भी इतना क्राउड है यहाँ पे, मतलब इतना भीड़। गाइस उस क्लॉक रूम में वहाँ पे हमने अपना आधा लगेज रख दिया, यहाँ पे हमने खाना भी खाया और सबसे ऊपर वाले रूम पे रहे थे। आप आते तो कभी यहाँ रह सकते हैं, पास में ही है। और यहाँ पे ठीक आपको ई पास, मतलब जो लोग ई पास नहीं बनवाए यहाँ पे ई पास बनती है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम लोग यहाँ से जीप वगैरह ले लिए है, पर सवारी शायद 50 रुपीज तक पड़ेगी। यहाँ से गौरीकुंड 5 किलोमीटर है, यहाँ से आप पैदल भी निकल सकते हो, पर पर्सन 50 रुपए का किराया पड़ता है। हम लोग गरम कुंड के पास पे, गरम कुंड है ये। गाइस ये रहा मेरे ठीक पीछे गौरीकुंड। जिनको नहीं पता उनको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अलग ही चमत्कार है, जो यहाँ पे गरम पानी मिलती है। यहाँ से आगे निकलेंगे तो आगे का व्यू आपको दिखाते हैं। बाय, हर हर महादेव। तो गाइस अभी जस्ट हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट किए हैं और यहाँ से अब 16 किलोमीटर बाकी है। आपको घोड़ा वगैरह खच्चर वगैरह सब मिल जाएगी यहाँ से, देख सकते हो इस साइड से। यहाँ रास्ते में घोड़ा और खच्चर जो चल रहा है उसके कारण आपको प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलेगी। और जगह जगह वॉशरूम तो दिख रही है, खाने पीने की भी सुविधा है जगह जगह। क्राउड बहुत ज़्यादा है, ऊपर भी देख सकते हैं। आधे भी रास्ते में नहीं पहुंचे, अभी और बहुत बाकी है। यहाँ से और 10 किलोमीटर बाकी है। हालत इतना में ही बहुत खराब है, गला पूरा बैठ चुका है। यहाँ से रामबारा आपका 5 किलोमीटर है, मतलब मौसम बहुत खराब हो रहा है। तो होने से अब वहीं पे जाके शूट करेंगे। और मौसम तो बहुत, मतलब अचानक से चेंज हो रहा है। बीच में धूप था, अभी बहुत अचानक से चेंज होने लगा। यहाँ से और 10 किलोमीटर तो आगे मिलते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर है यहाँ से नज़ारा। अब यहाँ से केदारनाथ ज़्यादा दूर नहीं है। हम लोग ट्रैकिंग करते करते आधा से ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा रास्ता कवर कर चुके हैं। अभी यहाँ से कम 2 या 3 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पे अचानक से बारिश पड़ जा रही थी जिसकी वजह से ब्लॉक शूट नहीं कर पा रहे थे। रेनकोट ले, एक हाथ में मोबाइल ले, स्लीपिंग बैग था, स्टिक था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। अभी मेरे को टाइम मिला इसकी वजह से अभी मैं ब्लॉक स्टार्ट किया। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बड़ा ही मस्त माउंटेन है, पूरा एकदम चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। मतलब ये नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। अगर यहाँ पे आते हैं कभी इस नज़ारे को तो कभी आप नहीं भूलेंगे, कभी भी आप नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं। बड़ा ही सुंदर लग रहा है। उसके नीचे में केदारनाथ है, ज़्यादा भी दूर नहीं है, 2 या 3 किलोमीटर के आसपास है। तो बस अब आगे मिलते हैं। जो स्टे हो गया आज का यहाँ पे हो गया और यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर केदारनाथ है। आगे हम बताए थे कि यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर, वो हमें गलत फहमी हो गई थी, करीबन वहाँ से 4 किलोमीटर थी। 2 किलोमीटर और पैदल चल के आए, अंधकार होना स्टार्ट हो गया था तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुआ था। हम रूम ढूंढ रहे थे तो हमें ये कैंप मिला, अच्छा कैंप है, देख सकते हैं ठीक ठाक 2 जन आराम से सो सकते हैं। और ये टेंट हमें पड़ा करीबन 1200 रुपए करके, 2 जन का 1200 रुपया पड़ा। ठीक ही है, आप क्या बोलेंगे, अब रहना तो है, रेस्ट करके आराम से कल सुबह हम लोग निकलेंगे। 2 या 2:30 बजे के करीब यहाँ से निकलने का प्लान है और जाके आराम से दर्शन करते फिर आपको मिलाते हैं। ओके बाय, गुड नाइट। 1 किलोमीटर मतलब पीछे है भैया, आगे गए दर्शन के लिए, लाइन लगे वहाँ पे, फिर हम जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग सीधा निकलेंगे और फिर आगे मिलते हैं। हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, इस रास्ते से होते हुए हम लोग आए दर्शन करने का। ये लाइन है, पूरा लाइन दर्शन करने का है। और ये है हमारे श्री केदारनाथ बाबा। चलिए सामने से 2-3 शॉट वगैरह लेते हैं। एक मस्त चीज दिखाने वाले हैं, ये जन्नत में तो क्या है, देखिए केदारनाथ। जय श्री केदारनाथ। रास्ते में इतना प्रॉब्लम हुआ, इतना प्रॉब्लम हुआ ना बता नहीं सकते, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ मेरे को, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और यहाँ पे आके आधा से ज़्यादा तबीयत ठीक हो गया, या 15% सुबह तक ठीक हो जाएगा, धूप मिल जाएगी। तो अब इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, उसमें आपको अच्छे से मैं दिखाऊँ, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको रात से मॉर्निंग तक का पूरा व्यू दिखाऊंगा।
थोड़ा इंतजार करिए, वो भी ब्लॉग आएगा और आज सुबह से फिर नेक्स्ट ब्लॉग की तैयारी करूंगा। ये ब्लॉग यही पे एंड करता हूँ। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय बाबा केदारनाथ लिख दीजिए। ओके बाय। हर हर महादेव। एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब क्या ही बोले। जय बाबा केदारनाथ, हर हर महादेव। कपाट खुल चुकी है, अब दर्शन सब करेंगे आस्ते आस्ते एक एक करके। कपाट अभी जस्ट खुली है।